मतलब की निंदा, मेरी निंदा नहीं है। ये टी शर्ट बहुत खराब पहन गया है, तो इसकी नहीं है मतलब ये, तो इसके भैया की है, किसी मित्र की पहनी होगी। टी शर्ट कह रहे पंडित जी नहीं पहनेंगे, हमारे फ्रेंड से लाकर पहनी है मैंने, फ्रेंड से लाकर पहनी है इस ये टी शर्ट मेरी नहीं है, फ्रेंड से लाकर पहनी है। बुरी कह रहे हो तो कोई बात नहीं, अलग कर दूंगा, दुख नहीं लगता, बुराई सुनने में दुख नहीं लगता। ऐसे ही ये दे टी शर्ट की तरह कर्म की है, मेरी नहीं है, चेंज हो जाएगी कि परमानेंट रहने वाली अनंत काल। कौन कौन सी? हाँ, तो बॉडी अनंत काल रहने वाली है। अब कोई तेरे से बुराई कर दे, यार तेरा चेहरा हीरो नहीं लगता, अहमद लगने दे, पराई शर्ट है, डिलीट। इतनी जल्दी डिलीट का मतलब समझ में आया? दुख डिलीट, कष्ट डिलीट, फटाफट। तुमको बोलना नहीं आता? बोलना आ हूं मैं थी नहीं, मेरा मेरी चीज नहीं। दोनों बातें लेना, कोई प्रशंसा करे तो भी डिलीट, और निंदा करे तो। अब देखो मैंने जो पॉइंट आपको दिया है, ये आप रोज गाते होंगे, लगभग दुनिया में हर एक जैन के साथ बहुत सारे अजैनों को भी ये पाठ याद होगा। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, आ गया। लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही, क्यों मृत्यु हो जाए तो भी ये मैं नहीं, जीवित रहूं तो भी ये मैं नहीं, लक्ष्मी आए तो भी मैं नहीं, चली जाए कोई बुरा कहे तो। एक काम करो, मैं आप सबको बुराई करने का अधिकार देता हूं, किसी में दम हो तो सुमत प्रकाश की बुराई करके बताओ। नहीं देखो, अब तो राइट दे रहा हूं मैं, आप मेरी बुराई करके बताओ कि तुम बहुत काली लगती हो। बिल्कुल ठीक, आ हूं ना थी, मेरी करो, मेरी मेरी करो, दम हो तो। ये साहब आपका गला बहुत अच्छा है, अरे मेरी करो, इसकी नहीं, लगाते जाओ आप। अरे जिसकी तुम प्रशंसा कर रहे हो, मैं सही बताऊं, लोग मेरा जो जितना भी अभिनय, वो क्या करते हैं, परिचय देते ना, परिचय, सुमत प्रकाश जी कैसे हैं, जो कुछ भी बताते हैं इंट्रोडक्शन में, सब पड़ोसी पड़ोसी बताए, मेरी बताते ही नहीं है। नौकरी छोड़ी, शरीर अच्छा है, क्रियाकांड अच्छा है, खान पान शुद्ध है, पला बढ़िया है, गला बढ़िया है, भजन बढ़िया है, कुछ थोड़े बहुत हमारे भी तो बोलो। लेकिन वो नहीं बोलना चाहिए, इसलिए नहीं बोलना चाहिए, उस समय तो अपन सब बराबर ही, उधर अपन सब बराबर है, इसलिए वो परिचय नहीं दिया जाता। लेकिन आप चाहे जितनी प्रशंसा करो, मुझे आनंद आने वाला नहीं, और बुराई भी करो तो, क्यों? डिलीट पॉइंट, ए में नहीं हूं। परतरफ का डिलीट पॉइंट कौन सा हुआ? ए में। अच्छा, अब प्रशंसा सुनने की इच्छा है कि निंदा है? क्या कहें आपको, प्रशंसा सुनने की भी इच्छा नहीं बची और निंदा सुनने की भी इच्छा नहीं बची। इसका नाम है समता भाव, इसका नाम है वितराग भाव। इसी से साधक सराबर तैयार होगा, पाक्षिक से नैष्टिक, नैष्टिक से साधक, इसमें से आ जाएगा। करके देखो, प्रैक्टिकल करो, मेरी पढ़ाई तो प्रैक्टिकल है बिल्कुल। चलो आगे चलो, एक पॉइंट तो पूरा हुआ, कौन सा? ए परद्रव, परद्रव की मकान की प्रशंसा करे नहीं करे, जॉब की प्रशंसा करे नहीं करे, इसकी चर्चा थोड़े अपन बाद में और लेंगे, थोड़े और भाग्यशाली लोग आने बाकी ने, तब लेंगे। तो अभी पहला पॉइंट हुआ, अभी दूसरा पॉइंट, अभी आत्मा में अशुद्ध पर्याय है। अब आत्मा की बात है वो, अब कड़ाई की बात नहीं है, अब आत्मा की बात है। तो आत्मा में अशुद्ध पर्याय होती है, अशुद्ध पर्याय दो प्रकार की होती है, शुभ और अशुभ। अशुद्ध पर्याय कितने प्रकार की होती है? दो। कौन कौन सी? शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ। बहुत बढ़िया, चलो आगे। तो पंडित जी, आत्मा आत्मा आप तो बड़ी तारीफ कर रहे हो, भगवान भगवान भगवान, लेकिन राग है कि नहीं, द्वेष है कि नहीं, कसा है कि नहीं,
अशुद्धता है कि नहीं, मोह राग द्वेष है कि नहीं, कि है तो बराबर, बात तो तेरी सच्ची है, बात तो तेरी सच्ची है, आत्मा में मोह राग द्वेष है, परंतु आत्मा ऐसा नहीं। ये दूसरा डिलीट पॉइंट, ये मैं नहीं और अशुद्ध पर्याय की जब चर्चा आए तो मैं ऐसा नहीं। इसके लिए दृष्टांत दे दूं तो जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब घड़ी निश्चित समय बता रही है, तो उससे पहले आपको छोड़ दूं तो ठीक रहेगा, नहीं तो पहले ही दिन दूध उफन जाए। हालांकि मेरे साथ बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो जल्दी दृष्टांत, होली होती है, होली होली होती है, तो होली पर हमारे यहाँ दो होली होती है, एक एकम की होती है, एक पंचमी की होती है, रंग पंचमी। तो बड़ी वाली होली पंचमी की होती है, भयानक होती है, बहुत ख़राब। तो यूँ समझ लो, बस समझ गए ना, जिस दिन खराब होली हो वो समझना। तो उसी दिन एक लड़की वाले लड़का देखने आए, लड़की वाले किस दिन देखने आए, उस दिन देखने आए, उस दिन होली के दिन, माने कैसा माहौल होगा बोलो। उस दिन उसने पुराने जमाने के हिसाब से कहे तो मटके में से टी शर्ट निकाली, फटी पुरानी। एकदम कैसी हो रही होगी वो, बिना धुली। और पैंट भी ऐसा निकाला कि 25 जगह हीरो छाप। आजकल के हीरो ऐसे ही पहनते, मैंने भी अखबार में फोटो देखे, 25 जगह फटा। तो ऐसा अब फिर होली का रंग वंग सब लग गया पूरा। देखिए उन्होंने पूछा भाई यहाँ पर कोई, अब नाम जो भी हो लड़के का, नाम रख दो कोई सा भी, रामू रख देते हैं, यहाँ कोई है तो नहीं रामू है कहीं, नहीं तो ठीक है। अच्छा नहीं, मैं नहीं रखता, इसलिए मैं नाम नहीं लगता, खतरा पड़ता है। तो ये नाम छोड़ दो, अपन समय तो नाम रख देते हैं, मोहित, मोहित तो नहीं कोई है, तो ठीक है। तो उसे कहा एक मोहित, अब उसका मोहित का घर कहाँ है, अब वो लड़का भी मोहित खुद ही खड़ा और उसी से पूछ रहे मोहित का घर कहाँ है, बोलो मैं हूँ, बोलो क्या बात है, मैं हूँ, बोलो बोलो क्या बात है। बेटा बड़े बुजुर्गों से मजाक नहीं किया करो बेटा। देखो बेटा थोड़ा एटिकेट सीखो बेटा, होली का दिन है, बड़े बुजुर्गों से ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो मोहित का घर बता दीजिए, आप होली खेलिए आराम से। तो उसने समझ गया क्यों आए आप, बेटा हम उसको देखने आए अपनी लड़की के लिए। अच्छा अच्छा एम, तो ठीक, तो यहाँ से लेफ्ट जाइए राइट जाइए, घूम कर 15 मिनट बाद आइए। और वो फटाफट घर चला गया, घर गया और वहाँ जा कर के फटाफट बाथरूम में जा कर बस एकदम जैसा था वैसा आ गया, जैसा था वैसा होके आ गया। तो अभी वो लड़की वाले आए तो उन्होंने लड़का को देखा, ओ वाटे देखते से उसको पसंद आया, बहुत अच्छा। अब जब पसंद आ जाता है ना बातचीत चलती, एक बात है तुम्हारे जो शहरी है ना गली, इसका छोकरा बहुत खराब है। बोले क्यों क्या हुआ, अरे हमने एक लड़के से पूछा कि मोहित का एड्रेस बता दो, तो बोले मैं ही हूं, कहाँ वो गधा और कहाँ तू, समझ गए आप, समझ गए। तो वो लड़का बोला अंकल मैं तो वही हूं लेकिन वैसा नहीं हूं, पॉइंट पकड़ने की बात है, मैं वैसा नहीं हूं, मैं तो वही हूं, ऐसे ही आत्मा अनादिकाल से मोहराग देश में पड़ा है लेकिन वो सिद्धो जैसा ही है, ऐसा नहीं है, मोहराग देश है लेकिन मैं वैसा नहीं हूं, पाप है लेकिन मैं वैसा नहीं हूं, दूध उबल रहा है लेकिन उबाल का नाम दूध नहीं है, क्रोध मान माया लोग है, अशुद्धता है लेकिन आत्मा अशुद्धता जैसा नहीं है। डिलीट पॉइंट समझ में आया, पहला डिलीट पॉइंट कौन सा था, परद्रव्य, और दूसरा था अशुद्ध पर्याय, दूसरी कौन सी थी, अशुद्ध पर्याय। अभी तीसरे की चर्चा कल करेंगे, आज ही कर लेंगे, टाइम हो गया है, अच्छा कंप्लीट कर देंगे, कर देंगे भाई, तो फिर सुन लो फटाफट, जल्दी कोशिश करता हूँ। तीसरा है शुद्ध पर्याय,
बस तीन ही डिलीट पॉइंट है, इसके बाद तो भगवान बन जाओगे आप। एक ही प्रवचन बहुत है, चाहो तो कल विदा कर दो। बहुत हो गया, बहुत कह दिया हमने तो, फिर से समझो। तो तीसरा पॉइंट है शुद्ध पर्याय। इस पर तो एक घंटा चले तो मजा आए, एक आध दिन फिर ले लेंगे, अभी शॉर्ट में ले लो, बाद में फिर विस्तार से बताऊंगा। अब तीन डिलीट पॉइंट में से पहला परद्रव्य, दूसरा अशुद्ध पर्याय, तीसरी शुद्ध पर्याय। आहा, केवल ज्ञान, ओहो, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र, हाँ, निर्मल पर्याय, हरि शुद्ध पर्याय, तो भी मुझे आनंद नहीं आता। कोई मेरे सम्यक दर्शन की प्रशंसा करे तो भी मुझे आनंद नहीं आता। क्यों नहीं आता आनंद, क्यों नहीं आता आनंद? तीसरा डिलीट पॉइंट, मैं इतना सा नहीं। क्या कहा? मैं इतना सा नहीं हूं, मैं सम्यक दर्शन जितना थोड़े हूं, मैं केवल ज्ञान जितना थोड़े हूं। इसके लिए दृष्टांत दे दूं जल्दी से। दृष्टांत, कॉमर्स पढ़ते हो क्या पढ़ते हो? अभी टेंथ में, कोई बात नहीं, अगले साल पढ़ोगे, कोई बात नहीं। तो अभी समझे जरा, कॉमर्स का छोटा सा हिसाब है, कोई ज्यादा बड़ा हिसाब है। एक ऐसा बिजनेस है, बिजनेस जिसमें 1 करोड़ रुपए पर सेकंड की इनकम, 1 करोड़, नाम सुनते ही कैसा लग रहा है, 1 करोड़ पर सेकंड। अच्छा चल, तो 1 करोड़ चाहिए कि वो बिजनेस चाहिए फ्री ऑफ चार्ज? आपको क्या चाहिए? इन दोनों को तो बिजनेस चाहिए आपको। 1 करोड़ कम है? 1 करोड़, 1 करोड़ नहीं चाहिए, 1 करोड़ नहीं चाहिए, देखिए 1 करोड़। आज तक 1 करोड़ नहीं देखा, लेकिन आज 1 करोड़ रुपए पर सेकंड की इनकम की भी बात चले तो मुझे पसंद नहीं आती। भले ही मैंने 1 करोड़ रुपए पर देखा है कभी? मैंने तो नहीं देखा अभी तक, मैंने तो केवल बोर्ड पर देखा है, प्रोफेसर था ना, पढ़ाता था, इसलिए मेरा हीरा लाखों से नीचे नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? मेरा मतलब तो यह निकलता कहने का, ओहो, भले ही आज तक हमने 1 करोड़ रुपए नगद ना देखा हो, लेकिन जैसे उसे ऑफर मालूम पड़ा कि 1 करोड़ रुपए पर सेकंड की इनकम, ऐसा बिजनेस चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो 1 करोड़ रुपया से एकदम विरक्त हो गया, मुझे बिजनेस चाहिए। ऐसे ही बोलो, केवल ज्ञान चाहिए कि शुद्ध आत्मा चाहिए? क्या चाहिए बेटे? इनको भी 10-10 का नोट देना, इतना बढ़िया जवाब दिया। अरे कहा, इतना बढ़िया स्वयं से जवाब दे दिया, गजब कहा। 1 करोड़ रुपया नहीं चाहिए, 1 करोड़ रुपया नहीं चाहिए। ओह, ऐसे मेरे केवल ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे शुद्धात्मा चाहिए। इसका नाम दरस विशुद्धि है, इसका नाम दरस विशुद्धि है, जहां पर्याय से भी वैराग्य है, शुद्ध पर्याय से भी वैराग्य। जैन दर्शन का वितरागता मतलब क्या? केवल टीवी से बैराग हो गया, खाने पीने से बैराग हो गया, कपड़े से बैराग हो गया, इतना नहीं। एक शुद्ध निर्मल पर्याय केवल ज्ञान से भी जहां बैराग्य होता है, इसका नाम नैष्टिक श्रावक है। बहुत जिनवाणी पढ़ो भैया, बहुत गरिष्ट है ये बात। तो आज दर्श विशुद्धि का दिन था, आपने दर्श विशुद्धि प्रकट नहीं भी की हो, कर तो ली होगी, कर ही लेना चाहिए। मेरे 3 डिलीट पॉइंट हैं, बस याद रखना आप। याद है डिलीट पॉइंट? नहीं हुए यार? परद्रव्य, अशुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय, अब याद हो गए? परद्रव्य, अशुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय। इस बच्ची को, बच्चा है कि बच्ची है? बच्चा है। 3 पॉइंट बोलना बेटे। हाँ, पहले परद्रव्य, हाँ नहीं सही बोला था, मैंने उसके दिमाग में है। पहला कौन सा है? पहला परद्रव्य, हाँ, फिर अशुद्ध पर्याय, फिर अब फिर से बोलो, परद्रव्य, परद्रव्य, पर्याय तो सरल पड़ रहा है उसे। अब द्रव्य, इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा पक्की बात, हिंदी इतनी कठिन लगती है, भगवान ही मान ले गए। चलो हाँ, परद्रव्य, हाँ, वेरी गुड, एक बार बोलो जरा, परद्रव्य, एक बार बोलो, परद्रव्य,
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कितने नोट मिले तेरे को अभी तक? एक आध मिला कि नहीं मिला? बैठो, 10 का नोट देना है, दो तो नहीं हो गए इसको, दो हो गए तो दो देना, कोई बात नहीं। हाँ भैया, एक दो पीछे वाला भी है, तीन और दो इधर के, 5 हो गए आज, 13 नंबर नहीं लगा अभी तक। कोई बात नहीं, बिल्कुल पढ़ाई करो अच्छी जोरदार, प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। तीन प्रकार के श्रावक कौन कौन से? पाक्षिक, नैष्ठिक, साधक श्रावक, बराबर है, तीन प्रकार के श्रावक। चलो इस बहाने अपन ने एक नई स्वाध्याय करी, तीन तरह के श्रावक। ओम नमः शिवाय। चलिए तो वो तीनों नाम मेरिट पॉइंट के, और उनका एक सेंटेंस में अर्थ समझाया था उन्होंने, तीन अर्थ समझाए, मतलब तीन प्रकार के मेरिट पॉइंट और मतलब उसका, एक एक वाक्य में उसका अर्थ भी समझा दिया था महिला वर्ग। उन्होंने इसके अर्थ बताए, परद्रव्य मतलब यह मैं नहीं हूं, दूसरा बताया अशुद्ध पर्याय, उसका मतलब है मैं ऐसा नहीं हूं, और शुद्ध पर्याय का मतलब बताया मैं इतना सा नहीं हूं। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर था। अब मेरा प्रश्न है पुरुष वर्ग से, तीन प्रकार के श्रावक बताए, उसमें तीनों के अर्थ मतलब एक एक वाक्य में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था उसको, तो तीनों जो श्रावक के प्रकार है और उसका मतलब एक एक वाक्य में, तीन प्रकार के श्रावक बताए और उनके अर्थ भी बताए, मतलब शॉर्ट में बता दिया था। पुरुष वर्ग से कोई नहीं है? पुरुष वर्ग कोई नहीं है, बता सकते हैं? उन्होंने बताया था कि साधु बनने के लिए जो यत्न करता है, नैष्ठिक होने के बाद मुझे भगवान बनना है तो मुनियों के मार्ग पर चलकर मुझे भगवान बनना है, तो मैं साधु बनूंगा, तो साधु बनने के लिए जो यत्न किया जाता है वह साधक श्रावक होता है। हाँ, तो इस प्रकार से दो प्रश्न हो गए। अभी बालकों से एक प्रश्न मैं पूछता हूँ। पंडित जी ने एक न्याय बताया, एक सेंटेंस में न्याय बताया था, वो न्याय क्या था फिर से बताना, न्याय एक सेंटेंस बताया था छोटा सा। हाँ, बालकों में से बोलो। प्राप्ति की प्राप्ति होती है, बहुत अच्छे। इन सबके लिए एक बार कर्तव्य का स्वागत करें, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्रश्न मंच रोजाना यहाँ पे किया जाएगा, और कृपया प्रयास करें कि हम लोग नोट्स निकालें और ध्यानपूर्वक प्रवचन सुने। छात्री भगवान सिंह का अभिषेक होगा, उसके बाद यहाँ 16 कर्म भावना की पूजन शुरू होगी, और ठीक 8:30 बजे यहाँ आदरणीय पंडित श्री सुमत प्रकाश जी का प्रवचन रहेगा, और वह 8:30 से 9:30, और उसके बाद जो भी पूजन वगैरह होती है वो तो महिला वर्ग करेंगे। फिर रात दोपहर में 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक लगातार 3 प्रवचन रहेंगे, जो जिनका प्रवचन कल रहेगा वो सुबह बताया जाएगा, और रात को शाम को 7:30 से 7:30 बजे तक भक्ति रहेगी। आज भक्ति में बहुत कम लोग हमको दिखे, और हम भक्ति को इतने आनंद से किए, उसका आनंद आप सभी को मिलना चाहिए, इसलिए आप सभी 7 बजे यहाँ पधारिए, और 7 से 7:30 बजे तक भक्ति होने के बाद 7:30 से 8:15 बजे तक देवलाल से पधारे गिरी श्री का प्रवचन करेगा, और उसका लाभ बहुत लोग ले रहे, और 7:30 से 8:15 बजे तक गिरी श्री का प्रवचन होने के बाद 8:15 से 9:30 बजे तक फिर से आदरणीय पंडित श्री सुमत प्रकाश जी का प्रवचन कल रहेगा। आदरणीय पंडित श्री सुमत प्रकाश जी का प्रवचन हर रोज सुबह 8:30 से 8:30 बजे से 9:30, और शाम को भी रात को भी 8:30 से 9:30 बजे तक ऐसा रहेगा। आप सभी इनका लाभ जरूर लें। जिनवानी स्तुति, सभी लोग खड़े हो जाएंगे।